हेलो बच्चों, यस नाउ योर नेक्स्ट पेपर इज ईबीसीएल, राइट ईबीसीएल बच्चों अच्छे तैयारी करनी है आप लोग को जिस तरीके से गाइड किया हुआ है हर तरीके का मटेरियल और लास्ट मोमेंट रिवीजन मटेरियल्स, क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ दिए हुए हैं नाउ इट्स क्यूएसआर, क्विक रिवीजन सीट तो भैया एग्जाम नाइट में आपको क्या क्या जरूर पढ़ के जाना है देख के जाना है अपने मटीरियल से तो स्टार्ट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे पोर्शन को तीन पार्ट में बांटा हुआ है तो हम पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे पार्ट टू जिसको कहते हैं आप लोग और दैट इज ओनली वन चैप्टर कॉल कंपटीशन एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर तरीके से इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है और बच्चों आप समझो एक चैप्टर पच्चीस नंबर का बाकी खत्म हो गया तो आप समझ लीजिए पूरा आपको स्टार्ट यहीं से करना चाहिए रिविजन स्टार्ट विद विद्पिटिशन एक्ट यहां पे यहां पे दो घंटे लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये दो घंटे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाले हैं तो स्टार्ट विथ कॉम्पिटिशन है क्या क्या पढ़ोगे उसमें डेफिनेशन uh, जो जो कराए थे खासकर रेलिवेंट मार्केट का रेलिवेंट मार्केट में रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट कराया हुआ था एंटरप्राइज का मीनिंग काटल शेयर्स का मीनिंग कंज्यूमर का डेफिनेशन याद रखिएगा यहां पे हमने बार बार आपको बताया था कंज्यूमर डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट कोपरा और यहां का डेफिनेशन में अलग होता है यहाँ कमर्शियल पर्पज यूजर्स भी कवर होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका सेक्शन थ्री एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट हर तरीके की बातें पढ़नी है बच्चों वो पांचों जो आपको आर थे अच्छे से पढ़ना उनका मीनिंग भी पढ़ना वहां डेफिनेशन भी कवर हो जाएगा वो और उसके बाद बच्चों अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन तो डोमिन पोजिशन कब होता है किस किस को डोमिन पोजीशन कहते हैं हम लोग इसके बाद मेरे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो आपको वो लिमिट वाली बात भी पढ़नी है कॉम्बिनेशन में जब लिमिट बनाई जाते डोमोशन कब कब अब यूज करते हो तो लिमिट वाला जो लेटेस्ट चार्ट है कुछ याद कीजिएगा बच्चों टेबल में था इन इंडिया अब्रॉड इंडिविजुअल लेवल पे ग्रुप लेवल पे कॉम्बिनेशन बनते थे और उसके बाद इंक्वायरी वाले पॉइंट कॉम्बिनेशन वाला 210 टेन डेज थर्टी डेज कमीशन का नाई रिप्लाई आया कमीशन रिप्लाई आया वो सारी बातें हिंट कर रहा हूं मैं अच्छे से पढ़ना है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया देखो बच्चों सुनने में आसान है बट इसमें दो तो तीन टेक्निकल पॉइंट है और टेक्निकल पॉइंट लाइक जहाँ पे हम पढ़ते थे इनका अपॉइंटमेंट ऑफ अप चेयरपर्सन कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन उसके बाद बच्चों रेमेशन ऑफिस कब तो कब टर्मिनेट हो जाएगी रेजिग्नेशन फिलिंग कौन करेगा और अगर कमीशन छोड़ भी दिया तो चेयरमैन आगे जाके कब तक किसी बॉडी के साथ एसोसिएट हो सकता है उसका एक्सेप्शन एट्सेट्रा एक्सेट्रा एट इन्वेस्टिगेशन बाई सी देखो बच्चों कौन स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आप देख लो हमने आपको बताया था कि भाई चाहे वो सेबी हो सी हो या ऐसी जितनी भी बॉडीज हैं एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं दो तो, तीन पॉइंट्स सेक्शन वाइज अलग हो जाते हैं डेज टाइम लिमिट अलग हो जाती है बाकी देखो सब जगह स्टैंडर्ड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है वो पड़े यहाँ पे वो आ, आपका अगर याद होगा डायरेक्टर जनरल भी का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कॉम्पिटिशन एडवोकेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडवोकेसी के लिए कोई एडवोकेट नहीं होगा खुद कमीशन एडवोकेसी का काम करती है यानी एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलेटिंग टू पॉलिसी का मामला अब किस तरीके के पॉलिसी के मामले बच्चों पॉलिसी मामला रिलेटिंग टू द फ्रेमिंग ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ और ये रिकमेंडेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दिज ऑर्डर राइट बच्चों इसके अलावा एक दो तो पॉइंट जो आप जरूर दे जाना एक तो रिप्रेजेंटेटिव वाला पॉइंट जहाँ पे सेक्शन थर्टी फाइव में बोला गया कि कंपनी सेक्रेटरी चार्टर अकाउंटेंट्स एंड एंड सी एज वेल एज एडवोकेट्स कैन बिकम द दाइज रिप्रजेंटेटिव राइट बहुत सारे केस लॉस कराए थे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए थे उन सबको रिवाइज करके जाना है इस टॉपिक में बच्चों दिल तो नहीं कहता कि कुछ छोड़ के जाओ लेकिन इन टॉपिक को जो मैंने आपको बताया अच्छे से दबा के रिवाइज करना आप लोग को सो दैट इज द वन पार्ट बी पहले आप रिवाइज करो मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड स्टार्टेड पार्ट बी का रिविजन फर्स्ट एंड गेट माई कॉन्फिडेंस बैक उसके बाद पार्ट सी में आ जाइएगा सबसे पहले योर कनेक्टेड चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसमें कोई डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर वही कंपैरिजन भी आएगी कंप्लेनेंट का मीनिंग कंज्यूमर काउंसिल जो नया टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना सारे डिटेल्स के साथ प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू टॉपिक है न्यू एक्ट के साथ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी इसका पूरा कंपैरिजन चार्ज जो है जोरिस्डिक्शंस पिक्यूनरी लिमिट इनके फंक्शंस रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पोजिशन ये सब अच्छे से करके जाना है और केस लॉज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट हमने करीब करीब दस से पंद्रह केस लॉ तो क्लास में याद किए थे उससे ज़्यादा याद किए थे उन सबको याद करना याद कीजिएगा केस लॉ रिलेटिंग टू डिफिशेंसी ऑफ सर्विस कब कब कंज्यूमर नहीं होते कब कंज्यूमर होते हैं डिफेक्टिव है, गुड्स का राइट right, आर्बिट्रेशन वाला पॉइंट पे केसेस था सवर सर्विसेज पे केसेस था एसेंशियल कमोडिटी एक बहुत छोटा चैप्टर है दो तीन टॉपिक ही पढ़ने इसमें खासकर एसेंशियल कमोडिटी का डेफिनेशन जरूर पढ़ना और याद है आपको टी इज नॉट अ गुड सैम्यूल वाला केस आर यू क्लियर प्राइजिंग का तरीका कमोडिटी की प्राइजिंग कमोडिटी इमरजेंसी यूज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी ये सब चीजें पढ़नी है सीजर कॉन्फिस्केशन का डेफिनेशन एंड डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना है लीगल मेट्रोलॉजी अगेन सेम ट स्मॉल टॉपिक प्रीपैक इसमें बच्चों लीगल मेट्रोलॉजी में खास करके लीगल मेट्रोलॉजी का डेफिनेशन और uh, जो ऑर्गेनाइजेशन था एम ओ आई एम एल उसके बारे में जरूर पढ़ना आप लोग को मेट्रोलॉजी साइंस है एक वेटर मेजर का ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पहले बहुत ज़्यादा एक्कोर का होता था अब तो चलो क्योंकि पार्ट सी में है तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं खासकर क्या क्या रिवाइज करना डॉक्टरिन सारे पढ़ के जाइएगा चाहे वो इलेक्शन हो होल्डिंग आउट हो लीज पेंडेंस हो स्टॉपल हो पार्ट परफॉर्मेंस हो राइट मॉडगेज के काइंड पढ़ के जाइएगा जरूर मार्शलिंग पे शॉर्ट कर्ट्स आ सकता है इम प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पे हमेशा शॉर्ट्स आने की संभावना होती है तो ये सब पढ़ के आपको जाना है टोपा में रेरा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम में भी तो रेरा का एडवांटेज देख सकते हो वो डेफिनेशन लाइक कारपेट एरिया कॉमन एरिया प्रोमोटर का मीनिंग प्रोजेक्ट विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ रेरा रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कब कब हो जाता है फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर्स एनालोटीज एंड कंपनी सेक्रेटरी का रोल इसमें देखा जा सकता है अपने क्लास के नोट्स को अच्छे से रेफर करना है पढ़ के जाएंगे तो भी कर पाएंगे बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट इसके साथ ही पढ़ना है इसका ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिनामी ट्रांजैक्शन का मीनिंग डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और कॉन्फ्रिस्शन पढ़ सकते हैं आप मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए हमेशा से ही इंस्टीट्यूट के टॉप प्रायरिटी में रहा है इसका डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ना है आपको प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग देख के जानी है वो तीनों इंटीग्रेशन लेयर और मैनेज uh, करना उसको चलिए बच्चों के पढ़ के जाइएगा केवाई बैंक से रिलेटेड यहाँ टाइम लिमिट कब कब के कैसी होनी चाहिए किस किस को अप्लाई करता है पेनल्टीज मनी लॉन्ड्रिंग की इम्पॉर्टेंट है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है रिकमेंडेशन देख सकते हैं और इससे बच्चों सोसाइटी के ऊपर क्या असर होता है मनी लॉन्ड्रिंग का वो भी देखना है इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर एफ ए टी एफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ सेक्शन है पांच छह सात आठ सेक्शन टेन फोर्टीन और फिफ्टीन अच्छे आपको से आपको सूरज से पढ़ा होगा जरूर रेफर करके जाना अपने क्लास का मटेरियल इनफ है बच्चों इंजंक्शन पे क्वेश्चन मेरे को लगता आ सकते हैं तो एक बार रेफर करके जाइए स्पेसिफिक रिलीफ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप ये बात जान के रखो ये आपका मदर एक्ट है हर तरीके के हर स्टेज में आपने पढ़ा है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स क्या होते हैं uh, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पढ़ लेना उस पर क्वेश्चन आने की संभावना होती है बच्चों कम्युनिकेशन और ऑफर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता contract. Um, contract है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ माइने इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो या आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो फ्री कंसेंट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके रेमिडीज भी पढ़ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने इंडेमिटी वर्सेज गारंटी का डिफरेंस प्लेज वर्सेज बेलमेंट का डिफरेंस लियन राइट टू लियन जो होता है राइट्स ऑफ एजेंट एंड कब कब एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है ये सब आपको पढ़ के जाना चाहिए श्योरिटी के ड्यूटीज भी आपको पढ़ के जाने चाहिए कब कब श्योरिटी छुट्टा हो जाता है यानी वन श्योरिटी डिस्चार्ज सोगा में बच्चा सेल अग्रीमेंट टू सेल गुड्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कंडीशन बहुत से वारंटी देख सकते हो केवे टिम्टर ऑलवेज इंपॉर्टेंट विद एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑफ रिस्क फॉलोज द ओनरशिप वाला पॉइंट अनपेड सेलर के बारे में पढ़ा जा सकता है ऑक्शन सेल भी आप देखे जा सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, टू uh, टेस्ट के पार्टनरशिप के पॉइंट्स पढ़ ले, डीड में क्या क्या कंटेंट होते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा मिस अप्रोप्रिएशन इन पार्टनरशिप लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स देखे जा सकते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एंड वॉट इज नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एनआई में देखो बच्चों प्रोमिसरी नोट चेक और बिल का कंपेरिजन एंडोर्समेंट के टाइप्स होल्डर एंड होल्डर एंड ड्यू कोर्स एंड नेगोशिएशन असाइनमेंट का डिफरेंस लाइबिलिटी एंड वन थर्टी एट पढ़ के जाना है मटीरियल अल्टरेशन और ग्रेस पीरियड वाले पॉइंट्स पढ़ के जाना है राइट दैट इज अबाउट पार्ट सी ना यू कम टू पार्ट ए वेर द लॉर्ड्स बिक चैप्टर तो पहले आपने दो खत्म कर लो उसका तीसरा ब्रेक लेके बढ़िया से उठो अब इसको कंप्लीट करो तो नाउ द पार्ट ए पार्ट ए आपका बचो सबसे पहले आर बी आई एक्ट विक्रम सर ने आपको डिटेल में पढ़ा होगा चैप्टर रिजर्व बैंक का ओरिजिन के बारे में बैंकिंग फंक्शन बैंकिंग का रेगुलेशन एंड सुपरविजन रिजर्व बैंक वाला एन बी एफ सी का रेगुलेशन पढ़ के जाना है कोऑपरेटिव का मनी मार्केट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पेमेंट सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ आर बी आई बच्चो उसके बाद फेमा जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव फेमा का फेमा फेरा का डिफरेंस भी आप पढ़ के जा सकते हैं uh, उसके बाद कंप्लायसेज में आप लोग करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैपटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़ के जाए प्रैक्टिकल भी आने की संभावना है प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर बच्चो रियलाइजेशन ऑफ़ फॉन एक्सचेंज रिपैट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉन एक्सचेंज फॉरन करेंसी लिमिट फॉर प्रोजर्शन ऑफ एंड ऑफ फॉरन करेंसी फॉरन कॉइन्स एंड वी हैव प्रोसीजर फॉर एडजुटिकेशन अपील एंड कंपाउंडिंग फैमाम इंपॉर्टेंट होता है ये लास्ट पॉइंट जो है अपील एडजुटिकेशन एंड कंपाउंडिंग सी एस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये बच्चो फकर जो है फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन दो हज़ार दस इसमें बच्चों फ़ॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब फॉरेन सोर्स और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब अकाउंट्स इंस्टीट्यूशन एंड ऑडिट क्या चीज का बच्चों एसेट्स जो फॉरेन कवर के अंदर कवर होते हैं इंस्पेक्शन एंड सर्च सीजर जरूर देखना आपको एफडीआई हॉट टॉपिक है एलिजिबिलिटी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है एफडीआई एंट्री रूट फॉर इन्वेस्टमेंट चाहे ऑटोमेटिक हो या गवर्नमेंट अप्रूवल रूट हो इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट लाइक एक्विटी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है उनकी लिमिट्स प्रोहिबिटेड एंड परमिटेड सेक्टर्स उसके बाद बच्चों कंडीशन फॉर एफ डी मेजर सेक्टर लाइक ई कॉमर्स इंश्योरेंस नई नई चीजें हैं बहुत सारे बदलाव भी गवर्नमेंट ने किए हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोविजन फॉर एफ डी आई विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों राइट बोनस एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इशू करना स्पेट भी इशू करना बच्चों स्कीम अप मर्जर डी मर्जर अमाल कमेशन में एफ का किस तरीके से असर होता है पेमेंट एफ रिलेटेड में रिपोर्टिंग ऑफ एफ डी आई इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो का हो या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का हो कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ब्रांच ऑफिस इंडिया लाइजेंस ऑफिस प्रोजेक्ट ऑफिस फॉरन एंटिटी का ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप पढ़ लेना ओ आई डी का जो अप्रूवल रूट्स है वो पढ़ लेना फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पढ़ सकते हैं आप एलिजिबिलिटी ऑफ ओ आई डी अंडर ऑटोमेटिक रूट कौन कौन है उसके बाद बच्चों इंडियन पार्टी की क्या ऑब्लिगेशन होती है ओ आई डी में एल आर एस स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अलग से पढ़ना है आपको इसके लिमिट्स पढ़ने हैं और बच्चों इसी भी पूरा पढ़ के जाना है सोचना ही नहीं है टॉपिक समझ के खास खास कर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रेस करने का तरीका फॉरन ट्रेड पॉलिसी में आप लोग अगर बीटीपीपी यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी बच्चों एच ई एच टी पीज ई ओ यूज सेज एम ई आई एस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एम आई मियाज एंड सियाज पढ़ के जरूर जाना है नई स्कीम मोदी जी लाए हैं तो उस पर काफ़ी बदलाव भी है एन बी एफ सी चैप्टर बच्चों में अगर आपको कहूँ तो टाइप्स ऑफ एन पढ़ने हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और नॉन डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एन का पीयर टू पीयर लेंडिंग वाले क्वाइंट को पढ़ना है सेज ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ना है आपको बट फिर भी सेटिंग ऑफ सेज यूनिट एंड सेज इकोनॉमिक जोन के अथॉरिटी के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा सो दैट इज ऑल अबाउट एवरी सो मैं एक बात जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप टाइम मैनेजमेंट जरूर रखें इसमें मैं आपको बोल सकता हूँ नाइन आवर्स का मिनिमम रिविजन फ्लॉट होना चाहिए एट टू नाइन आवर्स आई वुड से इतना आपको देना ही होगा टू बी वेरी ऑनेस्ट और जिसमें टू आवर्स आप पार्ट बी को दें बचे हुए सेवन टू एट आवर्स में से आप थोड़ा ज्यादा पार्ट ए को दें और थोड़ा एवरेज पार्ट सी को दें तो काम हो जाएगा ओके थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट मेक श्योर गाइज एग्ज़ाम्स पास होने के लिए होते हैं हेन्थ फोर्थ एग्ज़ाम जाइए तैयारी करके जाइए अपने आप को थकाइए मत अपने आप को नेगेटिव मैसेजेस मत दीजिए कि इतना सारा पढ़ना है ऐसे पढ़ना है कुछ नहीं बच्चों एक बार आप पढ़ना शुरू कर दोगे सब कुछ हो जाएगा कभी भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम रिवाइज़ करें कुछ याद नहीं हो रहा है बच्चों किसी को याद नहीं होता आप बस अच्छे से रिवाइज़ करके जाइए बार बार देख के जाइए एग्जाम हॉल में जैसे आप बटोगे आई एम श्योर जैसे आपके हाथ में पेपर आएगा आपके सामने चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी दो तीन बातें जो हमेशा बच्चों को मैं बोलता हूं कि पेपर लेके पहले पेपर पढ़ लो पांच सात मिनट के अंदर फ्रेम कर लो माइंड में कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प करना है प्लान तो आपने है कि पहले पार्ट बी करना है उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन अटैम्प करने बट पहले वही लिखने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं पहले वन आवर तक आपको वही लिखना चाहिए आंसर जो मतलब पेन उठाओ और लिखना शुरू हो जाए वहां सोचना ना पड़े राइट right? चाहे वो पच्चीस नंबर का बीस नंबर का दस नंबर का हो उसके बाद बच्चों स्पीड पकड़ो राइट right? सो ध्यान रखिएगा एग्जाम पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चन आते हैं उसको पहले लिखना है और प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना है पॉइंट्स फॉर्म में लिखना है जितना हो सके क्लियर लिखना है हर पेज में सेपरेट आंसर लिखने हैं इन सब टेक्निक्स के थ्रू 100 परसेंट आपके पेपर में बहुत डिफरेंस होगा All the best take care enjoy examination thank you so much everyone